नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई थी, क्या आप मोटी कटिंग भी लगा सकते हैं? तो देखिए, जो सामने आपको ट्री दिख रही है ये गुड़ैल की है और ये हमने कटिंग से ग्रो की थी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक जो गुड़ैल का जो ट्री था मेरे पास, जो मैंने बॉन्साई बनाने के लिए लगा रखा था, उसकी हाइट ज्यादा थी। उसमें ड्यूल ट्रंक थे और उनका जो ट्रंक था दोनों वो इस तरह से थे कि आमने सामने थे, एक टाइम पे एक ही दिख रहा था। तो उसका एक ट्रंक जो है वो मैंने वहां से रिमूव कर दिया, जो कि ये ट्रंक है। वो ये देखिए, ये ट्रंक मैंने वहां से रिमूव कर दिया और इतनी मोटी ये कटिंग मैंने लगाई है, क्योंकि ये उसी पे था तो इसको भी पहले से मैंने शेप दे रखी थी। देखिए आपको दिख रही होगी, इसकी जो ये ब्रांच है ये बेंड हो रही है। तो मैंने इसको उस ट्री के ऊपर जब ये था तभी उस पे जो इसकी कुछ शेप है वो दे रखी थी। एक तो इस ब्रांच पे मैंने वायरिंग कर रखी थी और एक इस ब्रांच पे, ये ब्रांच अभी कच्ची थी तो इस पे मैंने की नहीं। लेकिन देखिए इसकी जो शेप है थोड़ी थोड़ी अभी ठीक होने लगी है। ये इस तरह से थोड़ी सी हम इसकी मिच्योर होगी तब कर देंगे और इसको इस साइड, तो इसकी जो ये शेप है एक शेप बन जाएगी ट्री जैसी। ये देखिए यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया था। तो अगर आपके पास भी बड़ी आप मोटी कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं आपको जल्दी से इसका रिकैप दिखा देता हूँ कि हमने इसको कैसे ग्रो किया था, कैसे इसको कट करके इस पॉट में लगाया था। तो चलिए देखते हैं इसका रिकैप। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इसको ग्रो किया है मोटी कटिंग को, और अब ये देखिए अच्छे से ग्रो कर रही है। आपको दिख रहा होगा इसकी कुछ ब्रांचें जो बाद में नई ग्रो हुई है, और अब हम इसको एज ए बॉन्साई ग्रो करेंगे, इसको अच्छे से ट्रेन करेंगे। तो मैंने अभी तक इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालना स्टार्ट नहीं किया है, अभी वैसे भी गर्मी तेज है तो मैं अभी नहीं डालूंगा। जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज करेंगे ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी बढ़े। आज हम इसके ऊपर जो इसकी कुछ ब्रांचें हैं वो रिमूव करेंगे, जैसे कि जहाँ पे अगर डबल ब्रांच है वो रिमूव करेंगे। तो चलिए इसके थोड़ा हम नजदीक चलते हैं और करीब से देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे निशान दिख रहे होंगे वायरिंग के, तो इस पे हमने वायरिंग कर रखी थी जो कि मैंने निकाल दी थी, ये हमने कटिंग करने से पहले निकाल दी थी। ये देखिए एक ये ब्रांच यहाँ से ग्रो होने लग रही है और इसके साथ में एक ये ब्रांच है, तो हम इस छोटी वाली ब्रांच को यहाँ से कट कर देंगे ताकि ये जो ब्रांच है इसकी ग्रो कर जाए। जब ये ब्रांच ग्रो कर जाएगी हमको इसको इस साइड ग्रो करेंगे, और एक छोटी ब्रांच आपको इस साइड दिखी होगी इसको इस साइड कर देंगे, तो जो ये खाली स्पेस है ये भर जाएगा। इसके ऊपर देखिए एक ब्रांच यहाँ पे भी है, उसको देखिए इसकी ब्रांच है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। एक जो ये ब्रांच है जो आपको दिख रही है ये क्या है, इसके फ्रंट को छुपाती है, यानी कि बिल्कुल सामने है और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है इस ब्रांच पे, बिकॉज ये इस बड़ी ब्रांच जो है इसके स्टार्टिंग पे है, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं। अगर ये आगे होती तो हम इसको छोड़ देते, लेकिन अब इसको हम रिमूव कर देंगे ये देखिए इस तरह से, ताकि जो ट्री का जो फ्रंट है वो क्लियर दिखे। और दोस्तों देखिए ये जो ब्रांच है इसको हम इस तरह से थोड़ा सा और बेंड करेंगे, और जो ये साइडों की ब्रांच है इनको इस तरह से बेंड कर देंगे। सेम इसकी जो इस साइड जो ब्रांच जा रही है, इस ब्रांच पे देखिए एक ब्रांच इस साइड है, एक ब्रांच इस साइड और एक ब्रांच इस साइड, तो इसका जो ये हिस्सा है जो ड्राई होने लग रहा है इसको मैं रिमूव कर दूंगा इस तरह से।
और जो ये ब्रांच दिख रही है आपको, ये देखिए, इसको हम आगे से रिमूव कर देंगे ताकि इसका जो ये ज्यादा ग्रो ना करे, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा सा हम ऊपर की साइड चलते हैं, जो इसकी ऊपर की जो मेन ब्रांच है उस पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से ये बैंड होकर इस साइड ग्रो कर रही है और इस साइड से इस साइड जा रही है। तो इसको हम ये शेप भी इसकी रख सकते हैं और इसको साइड ब्रांच बना सकते हैं, या फिर इसको हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हम साइड में ब्रांच बनाएंगे और इस ब्रांच को मेन ब्रांच बनाएंगे। तो हम इसकी जो ये ब्रांच है, जो ये हिस्सा इसका रह गया था, इसको अब हम रिमूव कर देंगे। दोस्तों अब इसकी बैक साइड देखते हैं। बैक साइड इसमें थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिस्टेक है। ये देखिए, ये जो ब्रांच है इसमें एक ब्रांच ये इस साइड ग्रो कर रही है और एक छोटी सी ब्रांच यहाँ से निकल रही है। तो हमें क्या करना होगा, इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव करना होगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दी। सेम आपको देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये जो मेन ब्रांच है यहाँ से ग्रो कर रही है, इसके साइड में छोटी सी ब्रांच यहाँ से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे इस तरह से, ताकि ये ब्रांच अच्छे से ग्रो कर पाए। दोस्तों अभी जो इसका जो टॉप है, देखिए ये जो ब्रांच है इनको हम थोड़ा ग्रो करने देंगे, बिकॉज जब ये अच्छे से ऊपर की साइड ग्रो करेगी तो क्या होगा, जो ये हमारी ब्रांच है ये मोटी हो जाएगी और जो ट्री का जो शेप है वो अच्छा आएगा। सेम ये जो ब्रांच है इसको हम थोड़ा भी मोटा होने देंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हम अभी इसको भी अच्छे से ग्रो होने देंगे। बाकी ट्री पे जितनी भी ब्रांच है वो अभी ठीक है फिलहाल, अब हम इसको अच्छे से ग्रो होने देंगे। दोस्तों अभी मैंने इसको एक प्लास्टिक पॉट में लगा रखा है। तो नेक्स्ट जब फरवरी का मंथ आएगा, उस मंथ में हम क्या करेंगे, इसको एक बोनसाई ट्रेनिंग पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि वहां पे इसका जो शेप है वो भी अच्छा लगे और उसमें इसकी जो रूट्स है वो क्या साइडों में ज्यादा ग्रो करेगी। जैसे कि इस पॉट की जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी है, नर्सरी पॉट है देखिए इस तरह से, तो जो रूट्स है वो नीचे की साइड ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो जब हम इसको बोनसाई पॉट के अंदर ग्रो करेंगे तो उसमें क्या इसका जो रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनेगा, रूट्स साइडों में ग्रो करेगी और एक अच्छी नेवरी हम इसकी बनाएंगे ताकि ये एक अच्छा बोनसाई बन सके। फिलहाल इस पे जो मेन ब्रांच है वो यही है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। ये ब्रांच अभी छोटी है यानी कि पतली है, इसको हमें थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। और जो ये मेन इसकी जो ट्रंक है वो ये है, तो इसके लिए हमें इसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना होगा। NPK 19-19-19 जो मेरे पास है मैं वो इसमें स्टार्ट करूंगा ताकि मैं इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ा सकूं। बोनसाई बनाने के लिए जो एयर लेयरिंग और कटिंग का मेथड है वो बेस्ट है। एयर लेयरिंग का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज एयर लेयरिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी बड़ी ट्री है उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रांच ऐसी लगे जो कि आपको बोनसाई शेप जैसी दिखती है, तो आप उस ब्रांच को एयर लेयर कर दीजिए। तो उसमें क्या आपको कम टाइम में एक अच्छी थिकनेस वाली जो ट्री है वो मिल जाएगी। और एयर लेयरिंग का सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही मानसून आएगी, बारिश का सीजन होगा तो आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बारिश के सीजन में एयर लेयरिंग का अच्छा रिजल्ट रहता है, और अगर आप को थोड़ा एक्सपीरियंस है एयर लेयरिंग का तो आप पूरी साल में कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए आप अगर स्पंग मॉस यूज करें तो वो बेटर रहेगा। ऐसे कटिंग से मैंने एक बनियन का ट्री भी लगाया है, बनियन की कटिंग लगाई थी। वो बनियन की जो कटिंग है वो इतनी मोटी है, शायद मेरी जो बाजू है उस बाजू से भी मोटी है, और वो अच्छे से ग्रो हो रही है। मुझे उसको इस फरवरी में रिपोर्ट करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम करूंगा। और उसपे क्या है, जो ब्रांचे हैं वो एक साइड तीन ब्रांचे निकल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं राफ्ट स्टाइल बनाऊंगा, यानी कि उसको हम तिरछा कर देंगे, तो उसपे तीन जो ब्रांच है वो तीन ट्री की तरह दिखेगी और वो एज ए राफ्ट स्टाइल हम ग्रो करेंगे। दोस्तों जब अभी ये ट्रंक मोटी है, जब ये ट्रंक इसके लेवल में हो जाएगी यानी कि इतनी मोटी हो जाएगी, तब इसकी जो शेप है वो ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी क्या है, इसकी जो मोटाई है वो कम है, और जो ये मेन ट्री है इसकी जो मोटाई है, ट्रंक है ये ज्यादा मोटा है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये पहले से काफी मोटी हो गई है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से मोटी होती होती इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और तब ये जो ट्री का लुक है वो काफी अच्छा आएगा। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कटिंग से बोनसाई बना सकते हैं, और अभी तो सीजन गर्मी का है, तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो आप बोनसाई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी सीजन तेज गर्मी का है तो बोनसाई के ऊपर ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं,
लेकिन जैसे बारिश का सीजन होगा हम इस पे काफी वीडियोस बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, जो हमारा फेसबुक पे पेज है ममल बोनसाई के नाम से, उस पे हम जो हमारे ओल्ड वीडियोस हैं, जो बेस्ट ओल्ड वीडियोस हैं, वो मैं वहाँ पे शेयर क्या करूँगा। तो जो मेरे न्यू व्यूअर है और उनको उन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे, तो आप पेज को लाइक कीजिए और आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं उस पे जो पुराने वीडियोस में से की सीरीज है वो शेयर क्या करूँगा। यानी कि जो हमारे पुराने वीडियोस थे जो आप नहीं देख पाए, मैं उनको उस पेज पे शेयर क्या करूँगा। और इसका एक ऑप्शन और है, जैसे कि कुछ मेरे पुराने वीडियोस है वो आपको नहीं मिल रहे, तो अगर आप YouTube पे ममल बोनसाई के नाम से सर्च करेंगे तो आप देखेंगे मोस्टली सभी जो वीडियोस हैं सर्च ऑप्शन में मेरे आएंगे, तो आप उन वीडियो में देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल का आइकन है वो दबा दीजिए, ताकि आपको जब मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, उसका मैसेज आपके पास आ जाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।